तो जी हाँ नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपको हमारे एक नए वीडियो में। आज का इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या एक 10 एचपी का मोटर से हम 216 इंची का आटा चक्की चला सकते हैं या नहीं। ये वीडियो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है दोस्तों, जो इस बिजनेस में नया नया आना चाहते हैं आपके लिए दोस्तों यह वीडियो एक छोटा जानकारी होगा, मगर जो इस जानकारी को नहीं जानते उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। मुझे दोस्तों अधिकतर लोग कमेंट करते रहते हैं वीडियो में कि भैया 16 इंची 20 इंची चक्की में कौन सा मोटर हमें बिठाना चाहिए। और दोस्तों सबसे ज़्यादा कमेंट भैया यही आता है कि 16 इंची चक्की के लिए हमें कौन सा मोटर बिठाना चाहिए। यहाँ पर दोस्तों सवाल उठता है कि 7.5 HP की मोटर से भी आपका 16 इंची का चक्की चलेगा और 10 एचपी का मोटर से भी 16 इंची का चक्की चलेगा। और यहाँ पर दोस्तों मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ मैंने दोस्तों अधिकतर 10 एचपी का मोटर से ही 16 इंची को चलते हुए देखा है। हालांकि दोस्तों अधिकतर लोग 7.5 HP का मोटर से भी चक्की को चलाते हैं। तो अब यहाँ पे सवाल उठता है कि क्या हम 10 एचपी मोटर की मदद से 960 RPM वाला से हम क्या 216 इंची का आटा चक्की चला सकते हैं, क्योंकि दोस्तों एक चक्की तो 7.5 HP का मोटर से आराम से चल जाएगा, तो जो बाकी एनर्जी बचेगी क्या उससे दो चक्की चलेगी। मैं दोस्तों बता दूं ऐसा कभी नहीं होगा। और अगर आप ऐसा बिजनेस में करने के लिए सोच रहे हैं कि एक 10 HP का मोटर से हम 216 इंची का चक्की चलाएंगे, ऐसा कभी नहीं आप करना, क्योंकि जितना चक्की का कैपेसिटी है ना घंटे में माल छोड़ने का, उतना माल कभी नहीं छोड़ेगा। और दोस्तों 216 इंची चक्की लोड ही नहीं उठाएगा मोटर, मोटर का क्वाइल जल जाएगा, मोटर खराब हो जाएगा। हाँ, बहुत लोग दोस्तों 7.5 HP मोटर से भी आटा चक्की को चलाते हैं 16 इंची आटा चक्की को, क्या वो सही है? देखिए दोस्तों 7.5 HP का जो मोटर से पिसाई करते हैं आटा चक्की जो 16 इंची में, कभी भी उनका उतना पिसाई नहीं होगा जो 10 HP मोटर की मदद से होगा। ठीक है, एक 16 आप 216 इंची का चक्की लो, ठीक है, एक में आप 10 HP का मोटर फिट करो भैया और एक में आप 7.5 HP का मोटर फिट करो और दोनों में दोस्तों गेहूं डाल के पिसाई करो। मैं दोस्तों लिख के देता हूं 110% 7.5 HP वाला मोटर से जो आटा चक्की चलेगा 16 इंची वाला वो हमेशा कम पिसाई करेगा। हाँ, और जो 10 HP का मोटर से चक्की जो चलेगा ना भैया उसमें आराम से ज्यादा पिसाई होगा, घंटे में 20 KG से ज्यादा। तो अगर आपका मोटर को सेफ रखना है दोस्तों, क्योंकि 7.5 HP का मोटर से क्या होता है ना कि मोटर पे ज्यादा लोड पड़ता है, क्योंकि चक्की हैवी होती है 16 इंची का, उसको कम से कम तो भैया 10 HP का मोटर चाहिए ही चाहिए, कम से कम 10 HP का मोटर उसे चाहिए, तब जाकर वो आराम से अपना लेवल में, मतलब अपना लेवल में आराम से चक्की चलेगा, उसको परेशानी नहीं होगी। 7.5 HP में आपका बार बार मोटर खराब होने का शिकायत आएगा। 100% में 85% लोग दोस्तों 16 इंची आटा चक्की को 10 HP मोटर के ही मदद से चलाते हैं। तो फाइनल मैं आपको बता देता हूं कि एक 10 HP का मोटर से 216 इंची का आटा चक्की नहीं चला सकते हैं, कभी भी नहीं चला सकते हैं। हालांकि 15 HP का मोटर से शायद चलेगा, लेकिन माल उतना नहीं छोड़ेगा जितना हमें छोड़ना चाहिए 16 इंची आटा चक्की को। ये दोस्तों वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो इस बिजनेस में नया नया आना चाहते हैं। हालांकि दोस्तों काफी सारे लोग को यह जानकारी पता होगा, लेकिन जिन भाइयों को नहीं पता होगा दोस्तों उनके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि दोस्तों आप देख लें और आराम से सोच समझ के चक्की लेना। और कम से कम दोस्तों मैं तो आपको कहूंगा भैया कि 10 HP का मोटर ले ही आप आराम से चलाएं, आपका कॉयल ऑयल जलने का शिकायत नहीं आएगा, मोटर का लाइफ भी अच्छा रहेगा, मोटर खराब भी नहीं आएगा और माल अच्छा घंटे में आपका छोड़ेगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा धर्म है कि आपको छोटा से छोटा बड़ी से बड़ी जानकारी दूं, और आपका कर्तव्य बनता है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अधिक से अधिक, ताकि अधिक लोगों तक ये वीडियो पहुंचे, उनको भी जानकारी ये प्राप्त हो जाए। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बड़ा धन्यवाद। मैं हूं विवेक कुमार, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल IM विवेक सिंह।